प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट अगेन नॉलेज एरिया है कि जिसके जरिए से हम क्वालिटी को मैनेज करने की कोशिश करते हैं और इसके जरिए से क्वालिटी प्रोडक्ट या जो आउटकम प्रोजेक्ट होता है वो निकालने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि इसका जो इन्फ्लुएंस होता है या जो इसका असर होता है इस नॉलेज एरिया का, ये ना सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर इसका चल रहा होता है बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, जिसके लिए हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, और वो भी कलेक्टिवली ओवरऑल भी और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर प्रैक्टिशनर्स के ऊपर भी इसका असर पड़ रहा होता है। और इसकी जिम्मेदारी और इसके जो काम करने के तरीकेकार होते हैं क्वालिटी को अचीव करने के लिए, उसमें सारे लोग मिल के एक टीम की शक्ल के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पर भी जिम्मेदारी होती है क्वालिटी को मैनेज करने की, और कलेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो होती ही है कि जिसके लिहाज से हम क्वालिटी को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसका जो नॉलेज एरिया के प्रोसेसेस हैं वो तीन हैं, प्लानिंग का है, उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस का है, और फिर क्वालिटी कंट्रोल का है। इन तीनों को तो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ हमारे सामने इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका जानना और उनको समझना और उनके कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और हर एक का बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट की शक्ल के अंदर कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है, तभी इसकी समझ आती है और तभी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके फ्रूट्स हासिल कर सकते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। आज हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और ये किस तरीके के साथ हमारे सामने आते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से इसके जो प्रोसेसेस हैं इस नॉलेज एरिया के, इनको देखने की कोशिश करेंगे। तो जनाब अली, सबसे पहले हमारे सामने कॉन्सेप्ट है क्वालिटी का, और हमारा ज़्यादा लेक्चर जो है या ये चलेगा, ये इंटरेक्टिव चलेगा, ज़्यादा फीडबैक या रिस्पांस जो है वो आपकी तरफ से आना चाहिए। तो सबसे पहले जनाब, क्वालिटी इटसेल्फ, क्वालिटी क्या होती है, इसको जेनेरिकली तौर पे डिस्कस हम करेंगे, यानी कि जनरल कॉन्सेप्ट के तहत। टेक्निकल चीज़ों की तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन स्टार्ट हम जो है वो जनरल कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो जनाब, आप में से कौन बताएगा जी, क्वालिटी को डिफाइन हम कैसे करते हैं, कैसे किसी को समझाना हो कि क्वालिटी ये चीज़ होती है तो कैसे हम समझाएंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी क्या है जी? जी, आप में से बताना चाहे अपना माइक यूज कर सकते हैं। जी, यूजर सेटिस्फेक्शन को थोड़ा सा हम बेहतर कर रहे हैं कि यूजर सेटिस्फेक्शन की बजाय कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसको कोई एलैबोरेट करना चाहे, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए विद एग्जांपल। ये एक कमेंट आया है कि एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट्स, इसको जरा ध्यान में रखिएगा कि जिसमें डिफेक्ट्स होंगे वो तो कभी भी क्वालिटी उसको कंसिडर ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ एरर्स आ सकते हैं, अनोमलीज आ सकती हैं, उसको कौन चाहेगा? खुद अपने एज ए यूज़र या एज ए कस्टमर अपने आप को जरा उस जगह पर रख के देखें कि आप ऐसी चीज़ पसंद करेंगे, आप उसको क्वालिटी कहेंगे कि जिसके अंदर डिफेक्ट्स हों? जी, कोई माइक पे आके एक्सप्लेन करना चाहे एग्जांपल के साथ। ये बिल्कुल सही अरसलान आप कह रहे हैं, कन्फॉर्मेंस टू द स्पेसिफिकेशन या कन्फॉर्मेंस टू द फीचर्स या रिक्वायरमेंट्स, उनके जो भी उस चीज़ के मियार के ऊपर पूरा उतरता है उसको हम क्वालिटी कह सकते हैं। लेकिन इसको अगर किसी कोई एग्जांपल देके एक्सप्लेन करें रियल टाइम के अंदर, आप जगह जगह पे इसको इस्तेमाल करते हैं, दिन के अंदर,
हर जगह पे हम क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं। सॉफ्टवेयर को बनवाते हैं अपने यूज के लिए, सर अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा तो सर वो हमारे उसकी क्वालिटी हमारे लिए नहीं होगी, एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अच्छा ये बताएं कि इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें कि कैन वी से दैट कि ईच टाइम द एक्सीलेंस ऑफ द प्रोडक्ट इज क्वालिटी ईच टाइम? यस सर, यस। कोई ऐसी शक्ल हो सकती है जब हम नहीं कह सकते? सर जब वो अपना बेस्ट ना दे तब हम लोग कह सकते हैं कि नहीं है। नहीं, बेस्ट दे भी रही है। अब देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाई कर दूं क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ खरीदने बाजार में जाते हैं, जैसे जैसे आजकल इफ्तारी के लिए आप फ्रूट खरीदने के लिए जाते हैं, अब वहाँ पे फ्रूट के रेडी के ऊपर आप जाते हैं या दुकान के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे सेब आपने खरीदने हैं, तो वो ये कहता है कि जनाब ये मेरे पास सेब पड़े हुए हैं ये 250 रुपये किलो, एक दूसरी कह लेंगे सेब पड़े हुए हैं उसी के साथ पड़े हुए, वो कहते हैं ये 150 रुपये वाले। अब बताएं हम 250 वाले नहीं लेते, हम कहते हैं यार 150 वाले दे दो, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो आ गई ना उसमें, इसका मतलब क्वालिटी इज देयर इन दी 150 रुपीज पर केजी एप्पल्स, उनके अंदर भी क्वालिटी तो इसका मतलब मौजूद है, इसीलिए आप सेटिस्फाई हुए और ले लिया आपने, हालांकि 250 वाले साथ पड़े हुए, तो फिर ये क्या चक्कर है? एक्सीलेंस तो 250 वाले में होगी ना सर, वो क्वालिटी तो फैक्टर्स भी तो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे ना, कुछ फैक्टर्स देखने पड़ेंगे हमें कि हमारे पास कितने पैसे हैं, अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो हम वो लेंगे, ज्यादा पैसे हैं तो हम 250 वाले लेंगे। सर हो सकता है वो अपनी जो नीड है वो पूरी कर रहा हो सर, वहां पे वो क्वालिटी को ना देख रहा हो। नहीं, द फुलफिलमेंट ऑफ नीड इज द क्वालिटी, सेटिस्फेक्शन है ना, अगर आपकी सेटिस्फेक्शन 150 रुपए के ऊपर हो जाती है इट मींस दैट यू हैव द क्वालिटी। सर ऐसा भी हो सकता है उसका ना हो, ज्यादा लेना चाहता हो लेकिन वो ले ना पा रहा हो। हाँ तो इसका मतलब यही तो चीज हमने समझनी है, यही तो क्वालिटी के अंदर चीज आती है कि जब आप कोई चीज लेने के लिए चलते हैं, जैसे घर से आपको जाहिर है कि जेब के अंदर पैसे लेके चले जाए ना कुछ, अब वो पैसे कितने हैं वो आपको पता है, वो दुकानदार को नहीं पता, दुकानदार ने तो हर किस्म की चीज आपके सामने रख देनी है, उसके बाद आपने सारी कंडीशन को सामने रख के स्टैंडर्ड तय करना है। अब जरा गौर से चीज जरा सुनिएगा, आपने सारी चीजों को सामने रख के एक स्टैंडर्ड तय करना है कि मैं इस चीज को अपने लिए जाती तौर पे क्वालिटी कह रहा हूँ। जैसे सेब खरीदने के लिए मैं गया हूँ तो मेरे पास एक कंडीशन ये है, मेरे पास पैसे कितने, मैं कितने पैसों का खरीद सकता हूँ, मैंने अपने जिम में बना लिया यार ज्यादा से ज्यादा मैं 150 रुपए वाला खरीद सकता हूँ, 250 रुपए 200 रुपए वाला मैं नहीं खरीद सकता, इट मीन्स दैट आई हैव डिसाइडेड अ स्टैंडर्ड टू परचेज दी एप्पल्स। फिर दूसरा ये है कि मैंने कौन से लेने हैं उनको मैंने डिसाइड कर लिया, साइज कौन सा लेना है वो डिसाइड कर लिया, रंग उनका किस तरह सा होना है उसको डिसाइड कर लिया, ये सारी चीजें मिल के मेरे सामने एक स्टैंडर्ड बन गया है कि मेरे लिए सेबों का या सेब का स्टैंडर्ड ये है। जहां पे जाके मेरी दुकान के ऊपर जाके या रेडी के ऊपर जाके जहां पे जाके वो स्टैंडर्ड मीट करेगा मैं वो खरीदूंगा, एंड दैट विल बी द क्वालिटी फॉर मी। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट द एक्सीलेंस ऑफ द थिंग ईच टाइम कैन नॉट बी द क्वालिटी। एक्सीलेंस जो है वो हर दफा आपके लिए नहीं हो सकती, आपने वो देखना है जिन कंडीशंस के अंदर आप चीजों को ले सकते हैं आपके लिए वो क्वालिटी है। एक दूसरी एग्जांपल्स को देखिए, फॉर एग्जांपल गाड़ी लेने के लिए आप जाते हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो क्या मर्सिडीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्या BMW अवेलेबल नहीं है, क्या ऑडी अवेलेबल नहीं है, ये सारी गाड़ियां अवेलेबल है लेकिन कितनों के पास है, क्योंकि हर एक स्टैंडर्ड के ऊपर वो चीज नहीं उतरती, जिसके लिए उतरती है वो ले लेते हैं लेकिन अक्सरियत के स्टैंडर्ड पे नहीं उतरती। अक्सरियत के ऊपर हो सकता है मेहरान उतर रही हो, कल्टस उतर रही हो, टोयोटा उतर रही हो, होंडा सिटी उतर रही हो, वो उनको ज्यादातर करें क्योंकि उनकी कंडीशन या उनके स्टैंडर्ड या उनकी सेटिस्फेक्शन के ऊपर वो चीज आती है। तो इसका मतलब हुआ क्वालिटी क्या है, क्वालिटी असल में एक स्टैंडर्ड के अगेंस्ट अपनी सेटिस्फेक्शन को आप जज करते हैं, अवेल्युएट करते हैं, जहां पे जाके वो मैच होती है दैट इज क्वालिटी फॉर यू, वो उस बंदे के लिए वो क्वालिटी होगी। एक दूसरे बंदे के लिए कुछ और हो सकती है, वो अपनी कंडीशंस को देखेगा, अपना स्टैंडर्ड तय करेगा और स्टैंडर्ड तय करने के बाद देखेगा कि वो चीज मुझे कहाँ पे मिलती है, तो वो वहां से वो वाली चीज को हासिल करने की कोशिश करेगा। जब आप कंप्रोमाइज करते हैं, अब ये भी तो सिचुएशन बाज लोगों के साथ होती है ना कि एक चीज लेने के लिए जाते हैं वो थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी सी महंगी है, तो वो फिर क्या करते हैं कि उसके अंदर किसी ना किसी जगह से कंप्रोमाइज करके पैसे उसमें डाल लेते हैं, उधार ले लेते हैं किसी से मैनेज कर लेते हैं, बैंक से ले लेते हैं,
या इंस्टॉलमेंट्स पे ले लेते हैं और वो चीज अचीव कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया, अपने स्टैंडर्ड को बेहतर करके उसको अचीव कर लिया और उसको फिर मैनेज कर रहे हैं, फिर उनके लिए क्वालिटी गोल ही हो गई। यहाँ से एक और पॉइंट निकल आया हमारे सामने, या आप इन चीजों को जरा नोट करते चले जाइएगा कि ईच टाइम, ये पहला पॉइंट ये था कि ईच टाइम एक्सीलेंस कैन नॉट बी द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हर दफा एक्सीलेंस जो है वो क्वालिटी नहीं होती। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्वालिटी इज अ रिलेटिव टर्म, नहीं है कि एक क्वालिटी आपने तय कर दी तो हमेशा वही रहेगी। ये जरूर एक बंदे के लिए भी वो डिफर कर सकती है किसी दूसरे मौके के ऊपर जाकर, और दूसरे बंदे के लिए तो डिफर लाजमी तौर पर करेगी। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमारी अपनी जाती चीजें देखें कि अगर क्वालिटी सबके लिए एक जैसा, आपको एक जैसा लिबास पहनना चाहिए, एग्जैक्टली एक जैसी गजा खानी चाहिए, एग्जैक्टली एक जैसी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, एग्जैक्टली एक जैसी इन्वायरमेंट हर एक की होनी चाहिए, हर एक का घर एक जैसा होना चाहिए, हर एक लिविंग आइटम जो है, प्रॉप्स जो है, ये सारी एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, वजह क्या है, हर एक की क्वालिटी डिफरेंट होती है, हर एक की क्वालिटी रिलेटिव होती है, हर एक की कंडीशंस डिफरेंट होती है, हर एक की जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन मिल के एक एक स्टैंडर्ड बना रहा होता है। तो उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट अगर आप वो सारी चीज अचीव कर लेते हैं, इट मीन्स दैट यू आर अचीविंग द 100% क्वालिटी। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, यू हैव द 100% क्वालिटी। और जितनी नहीं आप हासिल कर सकते, उतनी क्वालिटी की डेफिशिएंसी उसके अंदर मौजूद है, उसको फिर अचीव करने की कोशिश की जा रही होती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी। ये समझ आया जी क्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जी क्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है जी? अच्छा जी, अब इसी के साथ एक और चीज, अभी हमने थोड़ा सा पार्शियली डिस्कस किया था लेकिन उसको जरा अलाइन कर लें। एक तो चीज होती है क्वालिटी, दूसरी चीज होती है स्टैंडर्ड, सॉरी ग्रेड। ये नोट कीजिए, एक चीज है क्वालिटी और दूसरी चीज होती है ग्रेड। किसी को आइडिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एंड ग्रेड? एक तो ग्रेड है ना जो आप यूज करते हैं, जैसे आपके ग्रेड्स होते हैं, सब्जेक्ट से ग्रेड होते हैं, ये उसकी बात नहीं हो रही है। अच्छा, ये एक सेंटेंस नोट करें, ये लिखें जरा, इसको मैं बोल रहा हूं जरा, आप जरा नोट कीजिएगा कि अ हाई ग्रेड डज नॉट मीन, अ हाई ग्रेड डज नॉट मीन हाई क्वालिटी एंड लो ग्रेड डज नॉट मीन लो क्वालिटी। A high grade does not mean high quality, and high grade and low grade does not mean low quality in each time. In each time. अब जरा ग्रेड की डेफिनेशन लिखें। ग्रेड मीन्स अ प्रोडक्ट हैविंग सेम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, अ प्रोडक्ट हैविंग सेम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स बट डिफरेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। अ ग्रेड मीन्स हैविंग सेम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स
बट डिफरेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। अहमद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर ग्रेड की अपनी क्वालिटी होती है। अब जरा इन दोनों चीजों को जो दो सेंटेंसेस आपको लिखवाए हैं इनको मद्देनजर रखते हुए कोई एक्सप्लेन करेगा विद एग्जांपल कि ग्रेड से हम क्या मुराद ले रहे होते हैं और उसमें क्वालिटी का क्या रिलेशनशिप होता है। अभी जो हमने क्वालिटी की डिस्कशन की है उसके अंदर ग्रेड आया था और विद एग्जांपल आया था, कोई बताना चाहेगा कहां पे है? जी लगता है कुछ बताना चाह रहा था लेकिन फिर उमेर बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, सही एग्जांपल। अच्छा जो डिस्कशन के अंदर जो एग्जांपल आई है उसको कोई पिन पॉइंट करेगा, इंडिकेट करेगा कि वो कौन सी थी? सर जो आपने एप्पल वाली एग्जांपल दी उसमें आपने जो उसकी प्राइसेस डिफाइन की वो उसकी ग्रेडिंग की गई थी कि मतलब हमने 200 रुपीज़ और 150 रुपीज़ में उनको ग्रेड किया गया कि ये एप्पल इतने प्राइस पे परचेज किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये दो ग्रेड थे असल में, 150 वाला एक ग्रेड था, इसी तरह 250 वाला एक ग्रेड था, और जो बेचने वाला वो क्लेम कर रहा है उसका स्टैंडर्ड डिक्लेयर कर रहा है, यानी कि अगर वो आप पूछते हैं उससे जाके कि जनाब ये कितने के सेव हैं इनका रेट क्या है, वो कहता है जी 150 है, तो आप दूसरे का वो कहता है जिसका 250 है, तो अगला सवाल आपका ये होता है जी क्यों ये 150 वाला 150 वाला क्यों है और 250 वाला 250 वाला क्यों है, तो वो फिर एक्सप्लेन करता है कि ये 150 वाला जो है उसका साइज कम है बनिस्बतन 250 वाले से, इसका रंग बेहतर है, इसका साइज बड़ा है, तो वो ये असल में स्टैंडर्ड तय कर रहा है किसका क्वालिटी का, कि ये अगर 150 वाला है तो उसके अंदर ये वाली करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, और अगर उसके अंदर ये वाली करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल एग्जैक्टली पाई जाती हैं तो इट मीन्स दैट कि वो अपनी क्वालिटी के ऊपर पूरा उतर रहा है, हालांकि 150 वाला है लेकिन जो वो क्लेम कर रहा है उस क्लेम के ऊपर अगर वो सारी चीजों के ऊपर पूरा उतर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस 150 वाले ग्रेड के अंदर क्वालिटी 100% है। इसी तरह से 250 वाले के अंदर वो कहता है कि इसके अंदर ये साइज है, इसका ये इसका रंग है और इसके अंदर और मुख्तलिफ किस्म की करेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो 250 रुपए वाला है लेकिन आप उसको चेक करते हैं और पता लगता है कि उसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, थोड़ी सी कम है, तो इसका मतलब है वो अपने क्वालिटी के स्टैंडर्ड के ऊपर, हालांकि 250 रुपए का है लेकिन अपने क्वालिटी के स्टैंडर्ड पे पूरा उतर नहीं रहा है। तो इस वजह से वो पहली जो स्टेटमेंट आपको दिखवाई है वो इस वजह से है कि अगर एक लो ग्रेड है तो उसके अंदर हाई क्वालिटी हो सकती है, अगर वो अपने स्पेसिफिकेशंस के ऊपर पूरा उतरता है, अपने क्लेम के ऊपर पूरा उतरता है, तो इट मींस दैट कि वो लो ग्रेड के अंदर हाई क्वालिटी मौजूद है, और सिमिलरली एक हाई ग्रेड है लेकिन वो अपने क्लेम के ऊपर पूरा नहीं उतरता तो इसका मतलब है उसके अंदर हाई ग्रेड होने के बावजूद उसमें क्वालिटी 100% मौजूद नहीं है। अब डेफिनेशन को जरा दोबारा पढ़ें तो आपको ग्रेड की डेफिनेशन समझ आएगी कि ये फंडामेंटली तौर पर एक ही तरह की चीजें होती हैं ग्रेड की, लेकिन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के लिहाज से डिफरेंट होती हैं, और अगर वो अपने क्लेम्स के ऊपर अपने स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतरते हैं चाहे लो ग्रेड हो चाहे हाई ग्रेड हो, तो वो फिर अपनी क्वालिटी के लिहाज से पूरा का पूरा आपको समर दे रहा होगा, फ्रूट दे रहा होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रेड। ये आप जगह जगह देखते हैं जो आपको वराइटी मिलती है एक ही किस्म की चीजों के अंदर, जो डिफरेंट किस्म की आपको वराइटीज मिलती हैं दोज आर द ग्रेड्स, वो ग्रेड्स होते हैं। अब देखिए ना कुछ लोग जो है वो 10,000 के मोबाइल के ऊपर मुतमिन हो जाते हैं, बाज जो है वो 50,000 के ऊपर भी नहीं होते, बाज लाखों के ऊपर भी नहीं होते, तो वो क्या हो रहे हैं उन्होंने अपने अपना जो स्टैंडर्ड है वो हाई रखा हुआ होता है, उन्होंने अपने अपना ग्रेड जो है वो हाई के ऊपर जा रहे होते हैं, और बाज लोग जो होते हैं वो थोड़े थोड़े लो ग्रेड के ऊपर भी अपनी कंडीशन के लिहाज से अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिहाज से कर सकते हैं। और फिर देखेंगे कि ग्रेड का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्यों हमारे सामने आया, अगर ये ना हो तो आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन की डिग्री जो है वो बहुत कम हो जाए, क्योंकि हर किस्म के कस्टमर अवेलेबल होते हैं, हर किस्म की कंडीशंस अवेलेबल हैं, तो फिर उनको जस्टिफाई करने के लिए उनके ऊपर पूरा उतरने के लिए और उन कस्टमर्स को भी रिटेन करने के लिए आपको डिफरेंट ग्रेड्स बनाने पड़ते हैं और उनके लिहाज से चीज़ों को मार्केट के अंदर लेके आना पड़ता है ताकि हर किस्म के कस्टमर्स को किया जा सके।
आप अपने लिहाज से देखिए, आपका एडमिशन PUC IIT में हुआ है, क्या आईटी की एजुकेशन देने के लिए सिर्फ PUC IIT है दुनिया के अंदर? यहाँ लाहौर के अंदर इतने इदारे हैं, आप इसके अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? उसकी वजह यही है, ये स्टैंडर्ड है, आपकी जरूरियात हैं, आपकी सेटिस्फेक्शन है, आपकी कंडीशंस हैं, आपके आपके लिहाज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनके लिहाज से आपने PUC IIT को डिसाइड किया हुआ है कि आपने यहीं से पढ़ना है। इसी तरह से जगह जगह पे आप चीज़ देख सकते हैं, जहाँ से भी आप चीज़ें लेते हैं, खरीदते हैं मार्केट में से और चीज़ों को लेके आते हैं, तो वहाँ पे ये दोनों कॉन्सेप्ट क्वालिटी और ग्रेड के साथ साथ चल रहे होते हैं। और जो बनाने वाले इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारे के सारे इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रख के ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने किस तरह की प्रोडक्ट्स बनानी है और किस तरीके से अपने कस्टमर्स को रिटेन करना है, अपनी मार्केट को वास्ट करना है, मार्केट शेयर को बढ़ाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है। और उनके अगर ये कॉन्सेप्ट ना हो तो आप देख सकते हैं वो स्टक हो जाए, वो आगे ही ना जा पाए। तो ये कॉन्सेप्ट है ग्रेड का। जी क्लियर हुआ है जी क्वालिटी और ग्रेड का कॉन्सेप्ट? अच्छा, ये एक अनाउंसमेंट मैं करता चाहूँ साथ साथ कि आपके लिए जो रमज़ान के अंदर लेक्चर टाइमिंग्स हैं वो रिड्यूस कर दी गई हैं। अब आपका जो टोटल लेक्चर टाइम हुआ करेगा वो 1 घंटे का हुआ करेगा, लिहाजा आज का जो हमारा लेक्चर है ये 8:30 से 9:30 बजे तक जाएगा। रमज़ान के दौरान 1 घंटे का लेक्चर ही हुआ करेगा, लेकिन क्वेश्चनिंग आंसरिंग के ऊपर कोई किसी किस्म की कंडीशन नहीं होंगी। वो जितनी देर तक आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे वो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, आगे चलें जी। तो हमारे सामने 2 कॉन्सेप्ट हो गए, एक क्वालिटी का कॉन्सेप्ट हो गया और दूसरा हमारे पास ग्रेड का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके आगे है जनाब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जो बड़े फेमस कॉन्सेप्ट्स हैं और देखते हैं कि आपको इनका कितना पता है। आपने ये सुने होंगे क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है जी क्वालिटी कंट्रोल का QC का और क्वालिटी अश्योरेंस QA का, कोई बताएगा जी विद एग्जांपल? क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है जी और क्वालिटी अश्योरेंस क्या होती है? ठीक है, जनरली बात अगर हम करें तो ज्यादा बेहतर होगा, हम आएंगे प्रोसेस पे भी और प्रोडक्ट पे भी, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जनरली अगर किसी को बताना हो, एक्सप्लेन करना हो कि दिस इज द क्वालिटी कंट्रोल एंड दिस इज द क्वालिटी एश्योरेंस, तो हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट? जो क्वालिटी प्लानिंग होती है जी ये दोनों के लिए जरूरी होती है, क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए भी और क्वालिटी कंट्रोल के लिए, इसलिए इसको जरा थोड़ा सा अलग रखें। अगर आप page 87 को रिकॉल करें उसके अंदर जो क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं वो है ही 3 है, एक क्वालिटी प्लानिंग का है, उसके बाद क्वालिटी इंश्योरेंस का है और फिर क्वालिटी कंट्रोल का है। इसका मतलब है कि क्वालिटी प्लानिंग इज एक्चुअली द इनपुट फॉर क्वालिटी इंश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। सर अगर हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है उसके दरमियान के जितने भी स्टेप्स हैं, यानी कि अगर हम SDLC को फॉलो करते हुए कुछ काम स्टेप्स दरमियान में करते जाएंगे, तो उस हर प्रोसेस को जब हम बार बार चेक करते जाएंगे कि हमने एक स्टेप कर लिया, दूसरा स्टेप कर लिया, तो वो जो सारे काम हम कर रहे थे उन स्टेप्स को चेक करना जो है वो क्वालिटी कंट्रोल में आएगा, और जो एट द एंड हमारा सॉफ्टवेयर जब बन जाएगा तो उसकी अगर हम क्वालिटी चेक करेंगे तो वो क्वालिटी अश्योरेंस में आएगा। अच्छा एक चीज मुझे बताइएगा, आप लोग क्वालिटी एश्योरेंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं? SQA का सब्जेक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं?
एक तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, लेकिन जो आपने अभी एक्सप्लेन किया है उससे थोड़ी सी कंफ्यूजन अराइज होगी। अच्छा जी, ये मैं स्क्रीन एक आपके सामने कर रख रहा हूँ क्वालिटी साइकिल की, जरा इसको ध्यान के साथ देखें। होप आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है, क्वालिटी साइकिल की स्क्रीन नजर आ रही है, जरा इसको ध्यान से देखें और देखने के बाद मुझे बताएं कि आपको क्या समझ आती है कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या है और क्वालिटी कंट्रोल क्या है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये इसके अंदर ये साइकिल किस तरह से चल रहा है, और दिस इज द फंडामेंटल ऑफ क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स। ये अगर आपको ये स्क्रीन या ये स्लाइड जो है ये अगर आपको समझ आ जाती है तो समझ लें कि आप क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी मैनेजमेंट को बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं, क्योंकि दिस इज द फंडामेंटल और यू कैन से दिस इज द ग्राउंड ऑफ द क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स। ये क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स की एक बेस है, फाउंडेशन है। इस स्लाइड को अगर आप समझ लें तो हमारे लिए क्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसको जरा थोड़ा सा मैं आप एलैबोरेट कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि हमारे सामने क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के कॉन्सेप्ट और क्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या बनता है। इसमें ये फर्ज किया गया है कि हम एक चीज बना रहे हैं, एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने 100 प्रोडक्ट्स बनाने का हमारे सामने गोल था। उसके लिए हमने इनपुट्स दी, उसका रॉ मटेरियल वगैरह सारा कुछ अरेंज करके हमने 100 आइटम्स बनाने थे, उनके लिए हमने वो सारी चीज़ें अरेंज की। उसके लिए रिसोर्सेज को हमने हासिल किया, अटेन किया, अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उन 100 इनपुट्स के लिहाज से 100 आउटपुट्स आई। इन 100 आउटपुट्स को बनाने के लिए शुरू के अंदर यहाँ पे एक स्टैंडर्ड तय किया गया था कि ये इनपुट्स के लिहाज से जो चीज़ें हम बना रहे हैं उसका ये स्टैंडर्ड होगा, उसके ऊपर जाके हम जज करेंगे, कंपेयर करेंगे कि ये चीज़ें हमारे पास उसी तरह से बनी हैं कि नहीं बनी हैं जिस तरह से हमारी इंटेंशन थी, हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे वो 100 आउटपुट्स निकली, उनको यहाँ पे जाके जज किया गया, अवेल्युएट किया गया, असेस किया गया कि ये क्या उस स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतरी है कि नहीं उतरी। जब हमने असेस किया तो पता लगा कि उसमें से जो 100 में से 80 जो थी आउटपुट्स वो बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक पूरा उतरी, और उनको हमने क्या नाम दिया, प्रोडक्ट का नाम दिया, और उनको हमने सेल करने के लिए भेज दिया। मजीद एवेल्युएट किया गया और रिजल्ट्स को देखा गया तो पता लगा कि उन 100 में से 80 तो प्रोडक्ट थी, 10 जो थी वो मुकम्मल तौर पे लॉस की शक्ल के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं, वो हमारा नुकसान थी और उनके ऊपर हमारे कोई किसी किस्म की उसको हम नहीं बेच सकते, उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो प्योर लॉस या स्क्रैप की शक्ल के अंदर उनको जाया कर दिया गया। इन्ही 100 में से 80 प्रोडक्ट हो गई, 10 लॉस हो गई, और बाकी जो 10 बच गई वो ऐसी थी जिनके ऊपर जाके हम कुछ ना कुछ काम कर सकें या इस साइकिल में से दोबारा उसको गुजारें तो वो भी प्रोडक्ट की शक्ल ले सकती हैं, तो उनको हमने नाम दिया रीसाइक्लिंग आइटम्स का, और वो रीसाइक्लिंग आइटम्स के लिए भेज दी गई। इस तरह से ये 100 का हमारे पास एक टोटल आ गया कि उसमें से 80 प्रोडक्ट, 10 लॉस, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो लॉस की जमीन के अंदर चले गए, और इन 10 को हमने दोबारा रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया कि वो दोबारा प्रोडक्ट की शक्ल ले सकते हैं। उनमें छोटी मोटी चीजें थी जो कि करेक्ट की जा सकती थी, तो उनको रिसाइकल के अंदर भेज दिया गया। उसके बाद काम ये हुआ कि यहाँ पे जाके ये कुछ लोग आ गए जिन्होंने जाके ये असेस करना शुरू कर दिया कि ये जो हमारी इंटेंशन थी, गोल था, वो तो ये था कि 100 इनपुट्स नहीं है तो 100 की 100 अब प्रोडक्ट आनी चाहिए। आइडियल केस तो यही था, तो ये आइडियल केस हमने क्यों नहीं अचीव किया, वो इसके रीजंस उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया, रीजंस ढूंढना शुरू कर दी, और उसके बाद उन्होंने वहां पे फाइंड आउट किया कि फलां फलां रीजंस हैं जिनकी वजह से ये 100 की 100 प्रोडक्ट्स नहीं बन सकी। उसके अंदर रीजंस बेशुमार हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल वो हो सकता है कि हमारी जो प्रोडक्शन लाइन थी उसमें फॉल्ट हो, जो लोग काम कर रहे थे उनके अंदर मसले मसाइल हों, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो सही तौर पर नहीं आई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, उनको सही इस्तेमाल नहीं कर सके उनकी वजह से आए, रिजल्ट्स को गैदर करके उनके रिजल्ट्स डिसीजन सही तरीके के साथ नहीं कर सके, इस तरह की बेशुमार रीजंस हो सकती हैं। उनमें से जो रिलेटेड थी उनकी उन्होंने पूरी की पूरी डिटेल्स बनाई, उनकी डॉक्यूमेंटेशन की, और उनको सामने रख के फिर इन लोगों ने प्रॉपर तौर पर पूरी की पूरी पॉलिसी दी कि नेक्स्ट साइकिल जब चलेगा तो आपने इन चीज़ों को ठीक कर लेना, वो चीज़ें ठीक करके इस पर अप्लाई की जाएगी नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम के ऊपर जाके
फिर देखा यह जाता है कि अगर ये सही तरीके के साथ अप्लाई की जाए तो ये जो आपकी प्रोडक्ट की रेशियो है जो 80 आ रही थी ये बढ़ जाती है और ये कम होना शुरू हो जाती है। ये दोनों जो है ये जो 10-10 लॉस की और रिसाइकिलिंग आइटम्स हैं ये कम होनी शुरू हो जाती है और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। हर साइकिल के ऊपर ये काम चलता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करेंगे क्वालिटी को अचीव करते चले जाएंगे। अब ये इस तरह से इसी चीज के लिए एक और नाम इस्तेमाल किया जाता है, फेमसली आपने सुना होगा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, क्या आप मुसलसल इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं और क्वालिटी को अचीव कर रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि द अचीवमेंट ऑफ क्वालिटी डज नॉट अटेन इन अ स्पर ऑफ टाइम बट इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेती है। क्वालिटी को अचीव आप आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, यकदम कभी नहीं आती कि एक साइकिल के बाद आप कहें कि 100% आपके पास क्वालिटी आ जाएगी, ये कभी नहीं आती। ये आप ये रीजंस को ढूंढते हैं, इनके जरिए से चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं और साइकिल बाई साइकिल चीज़ों को बेहतर करते चले जाते हैं। अब इसके अंदर जरा देखें कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या है और क्वालिटी कंट्रोल क्या है। जी यहाँ तक सबको पॉइंट क्लियर हुआ है जी, ये क्वालिटी साइकिल क्या है। अभी हम रिलेट करेंगे क्वालिटी कंट्रोल को और क्वालिटी एश्योरेंस को। ये यहां तक सारे साथ साथ हैं, ओके। अब जरा देखें मेन पॉइंट आ रहे हैं जी कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या है और क्वालिटी कंट्रोल क्या है। देखें जी यहां पे जब हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं तो जाहिर है शुरू के अंदर हमने स्टैंडर्ड बनाए हुए होते हैं, उनके मुताबिक सारी चीजें अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद जब यहां पे हम आते हैं आउटपुट्स हमारे सामने आती हैं और यहां पे जब हम चेक करते हैं असेस करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट कितनी आई है, हमारे पास लॉस कितना आया है, हमारे पास रिसाइकलिंग आइटम्स कितनी आई हैं, दिस इज द फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये क्वालिटी कंट्रोल का फंक्शन है, इसको हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत आपके पास ये है, प्रैक्टिकल सबूत ये है, आपने देखा होगा कि अगर आप कोई हार्डवेयर खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रैम खरीदते हैं या आप माउस खरीदते हैं, आप कोई कंप्यूटर सिस्टम खरीदते हैं, कीबोर्ड खरीदते हैं, हेडफोन खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर ना एक लुमिनेशन टैग लगा हुआ होता है, स्टिकर लगा होता है, छोटा सा गोल सा इल्यूमिनेटिंग किस्म का, और उसके ऊपर लिखा होता है QC। उसका मतलब क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल पास्ड, कि ये क्वालिटी कंट्रोल से पास होकर निकला है, ये अपने स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतर के असेस करके निकाला गया है, तो इसका मतलब है इसकी क्वालिटी कंट्रोल मुकम्मल है। क्वालिटी कंट्रोल रिएक्टिव होती है, ये सिर्फ चीजों को असेस करती है, ये रिजल्ट्स को सेग्रीगेट करती है कि जो रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं वो कितने स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं, कितने सही हैं। ये जैसे आपके ये क्विजेज होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं आपके, इसी तरह से आपके मिड टर्म फाइनल टर्म होते हैं, ये सारे के सारे किस चीज के टूल्स हैं, ये क्वालिटी कंट्रोल के टूल्स हैं। ये असेस किया जाता है कि हम कहाँ पे हैं, हम मयार के लिहाज से कहाँ पे जा रहे होते हैं। और उसके साथ साथ दूसरा इसका एक सेकेंडरी फंक्शन होता है क्वालिटी कंट्रोल का, कि जो उस वक्त अगर कुछ छोटे मोटे फॉल्ट आए हुए हैं जिनको फौरी तौर पर ठीक किया जा सकता है, उनको फौरी तौर पर ठीक करके उनको भी प्रोडक्ट की शक्ल के अंदर दे दिया जाए, तो ये भी क्वालिटी कंट्रोल का हिस्सा होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल के मेन फंक्शन जो हैं वो दो हैं, एक ये कि रिजल्ट्स को असेस करना, अवैल्यूएट करना, और सेग्रीगेट करके चीजों को अलग अलग करना कि कौन स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतर रहा है उसको अलग कर लिया जाए और जो नहीं उतर रहे हैं उनको अलग कर लिया जाए। ये रिजल्ट्स के ऊपर होता है, जो आप अचीव कर रहे होते हैं उनके ऊपर अप्लाई किया गया होता है। अब ये जब सारी चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था कि उसके बाद कुछ लोग आ जाते हैं और वो इन रीजंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा आइडियल रिजल्ट आना चाहिए था, जो इंटेंडेड रिजल्ट था वो क्यों नहीं आया, और उसके ऊपर क्या रीजंस हैं, रूट कॉजेज क्या हैं कि जिनकी वजह से ये हमारा आइडियल केस क्यों नहीं बने हैं, वो उनके रीजंस को ढूंढते हैं। तो वो कौन ढूंढ रहे होते हैं, वो क्वालिटी अश्योरेंस वाले लोग ढूंढ रहे होते हैं। क्वालिटी अश्योरेंस अगर ये क्वालिटी कंट्रोल रिएक्टिव है या ये हम इंस्टेंटेनियसली करते हैं, तो क्वालिटी अश्योरेंस हम प्रोएक्टिवली करते हैं, ये फ्यूचरिस्टिक होती है। क्वालिटी अश्योरेंस फ्यूचरिस्टिक होती है, प्रोएक्टिव होती है, ये रीजंस को ढूंढेगी कि ये जो रिजल्ट्स आए हुए हैं ये क्यों आए हैं, इनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, रूट कॉजेज क्या हैं, और उनको ठीक कैसे किया जा सकता है, उसकी पूरी पॉलिसी डिवाइस करते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं कि हमारे नेक्स्ट साइकिल के ऊपर ये वाली चीजें अब ठीक होने के लिए ये चीजें चलनी चाहिए। तो क्वालिटी अश्योरेंस वाले जो है वो डिटेल के साथ सारी चीजों को देखते हैं और देखने के बाद अपनी पूरी डिटेल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करते हैं और रिकमेंड करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये वाली चीजें इस तरीके के साथ होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये एक तो ये है कि जो उसको रिजल्ट्स आए हुए हैं उनको देखते हैं, उसके साथ साथ ये प्रोएक्टिवली तौर पर देखते हैं, फ्यूचर को देखते हैं कि इनको मजीद बेहतर किस तरह से किया जा सकता है,
जैसे फर्ज करें जब पहला साइकिल चलेगा तो उस वक्त तक तो कोई रिजल्ट नहीं आया हुआ, तो फिर ये क्या करेंगे? फिर क्वालिटी एश्योरेंस वाले आपको बताएंगे कि आपका बेहतरीन प्रोसेस क्या हो सकता है, बेहतरीन रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, बेहतरीन प्रोडक्शन लाइन क्या हो सकती है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, हमने किस तरह से मूव करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हायरार्की क्या होगी, कम्युनिकेशन किस तरीके के साथ बेहतरीन हो सकती है, ये शुरू के अंदर आपको जितना बेहतर तरीके के साथ बता सकते हैं ये बता रहे होंगे और उसके मुताबिक काम करेंगे, तो फिर आपका शुरू के अंदर ही ये जो रेशियो है, जो रिजल्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट के मैक्सिमम होंगे, लॉस मिनिमम होगा, रिसाइक्लिंग आइटम कम से कम होगी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, लिमिटेड मिनिमम हो जाएगी, तो ये क्वालिटी एश्योरेंस के काम होते हैं। अब ये दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल दोनों मिलके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। जरा यहाँ पे जरा कंसीव करें, जरा फील करने की कोशिश करें कि फर्ज करें सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल हो, क्वालिटी एश्योरेंस ना हो, यानी कि आप सिर्फ रिजल्ट्स को सेग्रीगेट करते चले जाएं और रीजंस को ढूंढे ही ना, उनको इंप्रूवमेंट के ऊपर लेके ही ना आए, हर दफा रिजल्ट्स आपके क्या आएंगे, बल्कि आपके हर साइकिल के बाद ये वाले रिजल्ट्स प्रोडक्ट के कम होना शुरू हो जाएंगे, लॉस के और रिसाइकलिंग के बढ़ना शुरू हो जाएंगे, इनके अगर आप रीजंस नहीं ढूंढेंगे। और सिमिलरली अगर आप सारी की सारी प्लानिंग करते चले जाएं, फ्यूचरिस्टिक रिकमेंडेशंस अप्लाई करते चले जाएं, लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने आए ही ना, आपको पता ही नहीं लगे कि आप जा किस डायरेक्शन में रहे हैं, आपके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, तो जाहिर है कि फिर आपकी ये वाली चीज़ें भी अरेटिक हो जाएंगी, वो सही तरीके के साथ आप नहीं जज कर सकेंगे कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और फ्यूचर के लिहाज से किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए। सो क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल बोथ आर असेंशियल टू अचीव द क्वालिटी सिस्टम आर टू अचीव द क्वालिटी। क्वालिटी को या क्वालिटी मैनेजमेंट करने के लिए ये दोनों चीज़ें क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल लाजमा मुलजूम है, ये एक दूसरे को सप्लीमेंट करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, ये एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकती, इनके दरमियान किसी किस्म का सुपीरियर या इंफीरियर होने का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों असेंशियल हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों एक दूसरे को मिल के सपोर्ट करके काम करेंगे तभी आप क्वालिटी मैनेजमेंट को अचीव कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। जहां पे जाके इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप टूटेगा या एक दूसरे को सही तौर पे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, तो वहीं पे जाके आपका क्वालिटी को अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज द क्वालिटी साइकिल। अब ये एट द टॉप लेवल भी चल रहा होता है और ये नेस्टेड भी चल रहा होता है, यानी कि विद इन द प्रोसेस भी चल रहा होता है। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो उसके अंदर एक सिस्टम चल रहा होगा अम्ब्रेला की शक्ल के अंदर क्वालिटी का टॉप के ऊपर, यही साइकिल सारे का सारा चल रहा होगा। दूसरा फेज बाई फेज भी चल रहा होगा, एनालिसिस का अपना एक क्वालिटी सिस्टम साइकिल चल रहा होगा जिसके अंदर देखा जा रहा होगा कि एनालिसिस करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल क्या होगी, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होगी। इधर डिजाइन का अपना चल रहा होगा, जब उसकी बारी आएगी तो उसके लिहाज से ये पूरा साइकिल चल रहा होगा। कोडिंग का अपना चल रहा होगा, टेस्टिंग का अपना चल रहा होगा, आपने अपने क्वालिटी एश्योरेंस का जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसके अंदर ज्यादा चीजें टेस्टिंग की पड़ी होंगी, तो उसके अंदर वो ज्यादातर क्वालिटी कंट्रोल के रिलेटेड चीजें आपने पढ़ी है। क्वालिटी एश्योरेंस की चीजें जो हैं वो फ्यूचरिस्टिक होती हैं, उसके अंदर आप डाटा को गैदर करते हैं, उसके एनालिसिस की बुनियाद पर डिसीजन कर रहे होते हैं, रिव्यूज होते हैं, प्लानिंग होती है, फ्यूचर रिजल्ट्स को आप सामने रख के स्टैंडर्ड तय कर रहे होते हैं और स्टैंडर्ड्स को आप वेरिएट कर रहे होते हैं टाइम गुजरने के साथ साथ। तो इस तरह से ये जो साइकिल है ये टॉप पे भी चल रहा होता है और आपके विद इन द फेजेस, विद इन द प्रोसेसेस, विद इन द डिफरेंट टास्क और सब टास्क, हर जगह पे जो मेच्योर सिस्टम्स होते हैं उनके हर जगह के ऊपर ये चीजें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होके चल रही होती हैं। सो दिस इज द क्वालिटी साइकिल। इसको दोबारा से जरा देखें, इसको गौर से देखें कि किस तरीके के साथ ये चीज चल रही है और इसमें कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। आज का लेक्चर जो है हम यहीं तक रखेंगे, बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और देखेंगे वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं। तो इसको देख लें जी, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क।